Today on Sand Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सांग्स कस्टम ग्रास वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में आप लोग लेने वाले एक बहुत ही कमाल की कार जो कि मैंने बस रिसेंटली खरीदा है, और ये कार है दी आइकॉनिक टाटा इंडिका विस्टा का ऑफिशियल मर्चेंडाइज, यानी कि ऑफिशियल स्केल मॉडल। तो क्या आप इस कार को लेने लेते आ रहे हो? ओके, तो कार बस आने ही वाला है। 1, 2 and 3। The official scale model of the iconic Tata Indica Vista. ये देखिए। सबसे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में आम तौर पर बताऊं, सर कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो ये कार, वेल मैंने कार अमेजोन से ऑर्डर किया था। मुझे कार कितना का पड़ा वो तो मुझे याद नहीं, इनकी जो प्राइस है वो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअल में अमेजोन से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर किया था और उसी के साथ ही मैंने ये कार भी ऑर्डर किया था, सो इसलिए मैं प्राइस भूल गया हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल ये कार अमेजोन में अवेलेबल है, सो इसलिए आप वहाँ पर जाकर से कर सकते हैं। कार का एक्चुअल में काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल था, पर मैंने व्हाइट इसलिए चूज़ किया क्योंकि इवन रियल लाइफ में भी इंडिका विस्टा ज़्यादातर व्हाइट कलर में देखने को मिलता था। सो कार के प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी हाईली डिटेल मॉडल है। ये सही है कि कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर ये सब पिलर्स अच्छे से पेंट नहीं हुआ है, और बाकी डोर हैंडल्स और साइड बिजनेसिस के ऊपर भी थोड़ी बहुत और डिटेलिंग होना चाहिए था, बट स्टिल ये एक बहुत ही हाईली डिटेल मॉडल है। इवन लोकल कंपनी की बनाई गई स्केल मॉडल से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें अगर आप इंटीरियर को देखें तो इंटीरियर में सब इंडिकेटर जैसे चीज़ें, यानी कि इंडिकेटर वाली जो अंदर की जो कुछ भी हैंडल्स जैसे चीज़ें होते हैं, उन सब चीज़ों पर भी डिटेलिंग ऐड हुआ है। साइड मिरर जैसी चीज़ें भी काफ़ी रियलिस्टिक है, जो इसके हिसाब से ये कार लोकल कंपनी की बनाई गई स्केल मॉडल से तो काफ़ी बेटर है। सो आज वीडियो में मैं आप लोग को कार के कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ कि इस कार में मैं वेल एक्चुअली में कुछ चीज़ें जो कि मैं आने वाले फ्यूचर में ऐड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हर कार में मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये वाली भी ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, बट स्टिल कार में थोड़ी बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है, सो इसीलिए मैं आज वीडियो में वो सारी चीज़ें वेल बताने वाला हूँ। मैं अगर कार के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार वैसे भी ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, सो इसीलिए ग्रिल जैसे चीज़ों पर ऑलरेडी ही डिटेलिंग है। बस यहाँ सामने हुड में ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, मैं इन विंडशील्ड वॉशर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने की सोच रहा हूँ। अगर इन्हें ब्लैक कलर में रीपेंट करेंगे तो इसी वॉशर देखने में थोड़ी बहुत और रियलिस्टिक दिखेगा और ज़्यादा बेटर दिखेगा। और बाकी यहाँ विंडशील्ड के ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक ब्लैक कलर के एक स्टिकर लगाने की सोच रहा हूँ, ताकि ये वाला हिस्सा थोड़ी बहुत मतलब सनसेट टाइप का एक लुक आए। और अगर कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में मैं कुछ मेन चीज़ें वाले ऐड करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि ये डोर हैंडल्स, मैं डोर हैंडल्स को ब्लैक कलर करने की सोच रहा हूँ, और बाकी साइड बीडिंग्स को भी मैं ब्लैक ही करने की सोच रहा हूँ। पिलर जैसे चीज़ें तो काम है ओरिजिनली ब्लैक है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स अच्छी तरह से पेंट नहीं हुआ है, इवन मैंने अभी भी मैंने आपको कहा था, सो इसलिए मैं कॉर्नर्स को अच्छी तरह से रीपेंट करने की सोच रहा हूँ। पूरी पिलर्स को पेंट करने की जरूरत नहीं है, बस इन कॉर्नर्स को थोड़ी सी स्मूथ करने की जरूरत है। और बाकी ये जो ऊपर के जो वेदर स्ट्रिपिंग होता है, इस वेदर स्ट्रिपिंग में भी थोड़ी बहुत और डिटेलिंग की जरूरत है। अगर इसे ब्लैक कर देंगे तो इससे कार देखने में थोड़ी बहुत और रियलिस्टिक दिखेगा और ज़्यादा बेटर दिखेगा।
इंटीरियर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, तो इसलिए ऑफिशियल मर्चेंडाइज होने की वजह से इंटीरियर पहले से हाई डिटेल है। अगर कार के रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में ये जो पीछे की जो रिफ्लेक्टर्स होती है, रिफ्लेक्टर्स को मैं रिवेट करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल कार में ये एक्चुअली रेड ही होता है, पर इस कार में ये वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये बस से भी आप लोगों को देखना मिलेगा। और बाकी ये जो कुछ भी है सब डिक्की की ये सब ब्लॉक जैसे चीज़ें, इनमें भी थोड़ी बहुत और डिटेलिंग की ज़रूरत है। और बाकी मैं कार में कस्टम लाइसेंस प्लेट भी फिट करने की सोच रहा हूँ। और बाकी इस कार में ज़्यादा कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफिशियल मर्चेंडाइज होने की वजह से ये कार पहले से ही हाई डिटेल्ड है, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें की ज़रूरत है जिन्हें ऐड करने से कार देखने में थोड़ी बहुत और रियलिस्टिक दिखेगा और ज़्यादा बेटर दिखेगा। और ये सब चीज़ें आने वाले फ्यूचर में मैं कार में ऐड करने की सोच रहा हूँ। हाँ तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। फ्रेम लॉर्ड की मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स आने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया डिटेल फॉर टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।